साजिश करते हुए सदस्यता पद खारिज किए गए थे, फिजूले मामला दर्ज करते हुए जिनके खिलाफ सदन में सदस्यता खारिज करने की हर संभव प्रयास किया गया था, आज हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे को संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी जी को आज बड़ा राहत देने की फैसला की, और इसी के चलते आज राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे वो आज विफल हो गए। और इसी दरमियान हम स्पीकर साहब से मिले, सदन के अंदर ये बात उठाई कि हमारे नेता राहुल जी को फिर दोबारा सदन में आने की इजाजत दिया जाए। उनकी सदस्यता पद खारिज करने की जो मुद्दा था उसको रिवोक करते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता पद पुनर्वार उनको सौंपा जाए, क्योंकि वो सदन में आए और अपने बात रखे। हम चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं उसी में राहुल गांधी जी खुद शिरकत करें और हिंदुस्तान के आम लोग ये सुने कि कैसे किस तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ आज सत्तारूढ़ पार्टी ने निष्ठुर तरीके से साजिश रच रही है। सारे दुनिया को ये उजागर होना चाहिए, इसलिए सदन के अंदर बात रखे, स्पीकर साहब से मिले, आप चिट्ठी भी लिखूंगा और बीच में आके आप लोगों को सामने भी ये अवगत कराना चाहते हैं आप सबको कि राहुल गांधी जी की सदस्यता पद दोबारा उनको वापस दिया जाए। इसके लिए हम अपना गुहार लगा रहे हैं, सरकार और सदन सब मिलके ये सोचे कि राहुल गांधी जी की ये वापसी जल्द से जल्द हो। ये सदन की दीवारों में ये लिखा रहते कि हमारे संविधान में भी ये लिखा रहते कि सत्यमेव जयते। आज राहुल गांधी जी की ये राहत साबित कर दे रहे हैं, ये प्रतीत हो रहे हैं कि आज सत्य की जय दोबारा हुआ है। राहुल गांधी जी ये सत्य का प्रतीक है, राहुल गांधी जी की ये जीत सत्य की जीत है। और ये राहुल गांधी जी अगले तारीख ये साजिश के खिलाफ और ये सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आंधी बनकर उतरेंगे और हिंदुस्तान में एक नया दिशा दिखाते हुए ये सरकार को सत्ता से हटाने की हर संभव पहल शुरू किए जाएंगे। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मोदी जी आपको सावधानी बरतना चाहिए। हाँ, मुलाकात करके आ रहे हैं आपके पास। उनका ये कहना है कि कोर्ट से जो पेपर वगैरह है वो सारे जजमेंट आने दीजिए, मैं जरूर कार्रवाई करेंगे। और हम भी ये कहें कि देखिए ज्यादा देर ना करना, नजदीकी तो है सुप्रीम कोर्ट, ये कागजात जल्द से जल्द जरूर आ जाएंगे क्योंकि हमारी तरफ से भी तत्परता रहेगी। लेकिन इसमें सरकार की तरफ से